जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी की आज्ञा से हम महान दिव्य आभा ग्रंथ का अगला सत्संग पढ़ेंगे। ओम गण गणपताय नमः, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग का विषय है सत्संग सत्य का समावेश। सत्संगी सदा अपने हृदय से सत्य बोलता है। सत्संग शब्दों में परिवर्तित वो रोमांचक यथार्थता है जो श्रोताओं और पाठकों दोनों की चेतना पूर्ण रूप से जागृत करने की असीमित क्षमता रखता है। सत्संग भक्ति का वह अंग है जो इस देश में आदिकाल से धार्मिक परंपराओं का सबसे आदरणीय और अभिन्न अंग रहा है। सत्संग में वक्ता अपने प्रवचन सब श्रोताओं के सम्मुख रखता है या जैसे यहाँ के प्रसंग में अपने अनुभव लिखता है। प्राकृतिक संवेदना और ध्यान से पढ़े अथवा सुने हुए सत्संग में से सब में विश्वास की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार अणु विद्युत संचारित करते हैं उसी प्रकार सत्संग से श्रद्धा एवं निष्ठा का प्रसार होता है। सत्संग के ये अनुभव संशय और विश्वास के मध्य खड़े हुए जन समूह के लिए है। सत्संग से जैसे हमने गुरुजी से सीखा है पाठक और लेखक दोनों को ही आशीष मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नए मोड़ के साथ आशा की ज्योति जलाने की संभावना रखता है। हर खंड में एक अनोखा अनुबंध प्रतिज्ञा एवं सत्य का संसार है। गुरुजी की उपस्थिति से हम उनकी छाया में हैं, उनके प्रकाश की तीव्रता के सम्मुख ब्रह्मांड के समस्त सूर्यों का सम्मिलित तेज भी धूमिल है। अनेक अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अस्थिर शंका प्रश्रद्धा के खड़क से सहार करता है। संशय और विश्वास दोनों परस्पर विरोधी हमारे चारों ओर व्याप्त वातावरण के स्थायी निवासी हैं। यहाँ पर हर सत्य प्रसंग दर्शाता है कि संशय के सागर में डूबी हुई आत्मा ने कैसे अपने स्वाभाविक रूप पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। अविश्वास के अंधकार में लुप्त सत्य श्रद्धा भक्ति और आस्था का पुनर्जागरण होता है। इसी सच्चाई को हम गुरुजी से जानते हैं। औरों ने उन्हें अन्य अनेक नामों से भी पुकारा है, सब उतने ही प्रिय और प्रेम में हैं। यह सत्संग आपको जो संभवत अभी भी सोच रहे हैं कि सत्य के भवसागर में छलांग लगाई जाए या नहीं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे बढ़कर तेजी से कूद जाइए। प्रणव सदा आपके सदा हैं। यह कथाएं पूरे विश्व में फैले हुए अनगिनत भक्तों पर हुए चमत्कार हैं। परंतु चमत्कार क्या है? वो तो आत्मा से उत्पन्न हुआ सत्य है। आत्मा तो उस सत्य को सदा से पहचानती थी। इस भौतिक संसार की माया में वह डूब गई और उस सत्य से भक्त अनभिज्ञ हो गए। यह चमत्कारिक सत्य सर्वप्रथम प्रेम और आस्था का प्रतीक है। तत्पश्चात वह हमारे सामान्य जीवन में प्रतीत होने वाली अलौकिक घटनाएं हैं। इन कथाओं के पात्र गुरुजी के असंख्य भक्त अपने उन अनुभवों का वर्णन कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें पूर्णतया पराजित, विफल और आतंकित किया है। उनको आहत निस्सहाय कर अपनी सीमाएं नापने पर विवश किया, भावना परीक्षण किया, रक्षा कवचों को क्षत विक्षित कर दिया, किंतु इसी से उन्हें शक्ति, साहस और चिरस्थायी आशा की प्राप्ति हुई। वह सब उस असाधारण उत्कृष्ट दिव्य धारा में प्रवाहित होकर अपनी आप बीती व्यक्त कर रहे हैं। गुरुजी का आदेश प्रसारित करने वाले यह वृतांत ही हमारे वास्तविक मित्र हैं और उस आदेश का पालन करना नितांत आवश्यक है। इन सत्संगों में गुरुजी की ऊर्जा है। वह न केवल यह आभास देते हैं कि गुरुजी ने अपनी अलौकिक शक्तियों से कैसे अपने भक्तों का भला कर उनका पोषण किया, इनमें वह ऊर्जा भी संग्रहित है जिसका आनंद लेकर आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक सत्संग में अपने भक्तों के लिए
गुरु जी के अपार स्नेह और वेदना के दर्शन होते हैं। अब समय आ गया है कि उनके भक्त उनके आदेशों का मन वचन और कर्म मानसा वाचा कर्मणा से पालन करे और उन्हें कभी भी ना भूले। यह सत्संग कल्प वृक्ष की अगण्य पत्तियां है। प्रत्येक एक प्रेम गीत गाती हुई श्रद्धा से परिपूर्ण हर सत्संग में गुरुजी और उनके भक्त का परस्पर स्नेह प्रतिष्ठित है। आशा करते हैं कि यह अनुभव इन भक्त लेखों की भांति आपके हृदय के तारों को भी हिलाकर मन में अति सुरमय मधुर दिव्य संगीत भर देगा। क्या अनहद जैसी मिठास अन्यत्र कहीं मिल सकती है? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, भूलचुक माफ करना गुरुजी, भूलचुक माफ करना संगत जी, बोलते समय कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, गुरुजी मुझे क्षमा करना, संगत जी क्षमा करना और नजर अंदाज करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।